हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहें। और कविता बिज ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो दोस्तों, आज सावन का महीना है और सावन का महीने का पहला सोमवार है। आज देखते हैं आप, इतना खतरनाक मौसम देहरादून का हो रखा है। सुबह के 5 बजे से झमाझम बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मुझे जाना था मंदिर, तो मैं अभी मंदिर जा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को देहरादून का मौसम दिखा दूं। तो देहरादून का मौसम तो बहुत खतरनाक हो रखा है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मौसम। और अभी थोड़ा सा बारिश कम हो रही है, तो मैं सबसे पहले मंदिर जाके आती हूँ। तो दिन भर में जो कुछ होता है वो मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। फिलहाल दिखा देती हूँ देहरादून का मौसम। और देखिए, आज ऐना और मैं जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि अभी कोई लोग नहाए नहीं है। और पूजा और मनोरमा तो सुबह हो के आ गए, राखी लोग कोई नहाए नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि हम दो जाके आते हैं। अभी बारिश थोड़ा सा कम हो रही है और छत अभी हमने दोनों ने ग्रीन ग्रीन ले रखा है। ये देखिए, ऐना का भी ग्रीन और मेरा भी ग्रीन। सावन का महीना है इसलिए ग्रीन ग्रीन। तो फिलहाल चलते हैं। बाबा के दर पे हैं सर पे चटाई, माथे पे चंदा, जय गंगा जी मां। और दर्शन भी हो चुके हैं, पानी हम लोगों ने चढ़ा दिया है। और आज हम गए थे घर के पास वाले ही मंदिर में, जो कि यहीं पे हमारे घर के पास में ही। तो अभी फिलहाल चलते हैं जिसमें बारिश रुकी हुई है। और ये देखिए, देहरादून में झमाझम बारिश, मौसम अभी भी नहीं खुला है। और हम मंदिर से भी आ चुके हैं और आज लगता है दिन भर की बारिश है। ये देखिए, तो आगे कहाँ जा? अरे यहाँ पे से बोल, यहाँ पे बैठ। हेलो दोस्तों, ऐसे बोल, हमने मंगाया है मीशो से कुछ और देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करेगा। सो हेलो गाइस, हम करने वाले अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग हम करने वाले थे। इसको करेगा, इसकी अनबॉक्सिंग करेगा ओम। और हमने एक दूसरी चीज भी मंगा रखी है, उसकी करेगा सोम। नहीं, तो पहले इसकी कर लेते। मुझे पता था वो अब ये देखिए, हमने कुछ इस तरीके की कांच की शीशियां मंगाई थी। और यहाँ देखिए, पहले ड्रामा हो गया। रोबोट है, देखिए सोम ने सोचा कि इसमें रोबोट है, रुकवा दिया है। गुस्सा और यहाँ देखा, गुस्से का पहाड़। और गुस्से में ये भी टूट सकते हैं। बताने तो दे यार, अरे दूसरे वाले में होगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके की शीशी हमने मंगाई है। ये कांच की और बहुत सुंदर है और मीशो से आया है। अच्छा लगे है। नाराज सोम को आ चुका है गुस्सा। सोम ने सोचा कि मेरा सामान आया हुआ है और ऐसे ही बात बात पे गुस्सा हो जाता है। सोम देखिए उधर बैठा, फूलो फिर मंगाएंगे, तेरे लिए भी मंगाएंगे बेटा, तेरे लिए भी। और ये देखिए, दूसरा आया है हमने। ये कहाँ से मंगाया है? ये है आदिवासी, हाँ वहाँ से मंगाया है ये। तो इसको खोलेंगे, आ जा सोम, खोले जाए सोम। एक बार नाराज हो चुका है, दोबारा सोम इसे खुलवाते हैं। आप बताओ इसमें क्या होगा आपके चेहरे? मैं नहीं खोलूंगा। बता दो क्या होगा इसमें? फोन तोड़ दे, गंदी बात ऐसा नहीं करते। क्या है इसमें? चल बता दे क्या। बता दो यार, फिर रोबोट भी नहीं आएगा। चल बता क्या है इसमें। नहीं तो ऐसा ना, रोबोट नहीं। सही आंसर देता कि नहीं देता सोम? जल्दी अगर सही देगा तो रोबोट मिल जाएगा इसको। बताओ क्या है? मैं बताएगा। तो सोम हो चुका है नाराज, तो फिलहाल मैं ही इसकी अनबॉक्सिंग कर देती हूँ। देखते हैं क्या है। और ये देखिए, ये मंगाया है मैंने आदिवासी हेयर ऑयल। और देखते हैं अभी मेरे बालों की लेंथ देखिए, ये है बाल बुलबुले हो रखे अभी। और कितने टाइम में लंबे होते हैं ये मैं आपको ब्लॉग द्वारा दिखाती रहूंगी। और कितना फायदेमंद ये
तेल होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसकी मुंडी टेढ़ी क्यों हुई, पैकिंग में हो गई होगी ना, बोल कर पैकिंग में क्या क्या पता वैसी थी, ऐसा नहीं लग रहा है पानी जैसा, तनी बोल देनी कुछ तेज जैसा नहीं, देखते हैं भाई ना, ना है तो तेल है तो असली असली साइड से मंगाया है, हाँ तो हो गई ना, उससे देखा था हमने, नहीं हमने नंबर से गंजे गंजे तमे पा, सौरभ जोशी का ब्लॉग देखते हैं हम तो, सौरभ जोशी गया हुआ था वहाँ पे, तो वहीं से हमने ये ऑर्डर किया है, क्या हो गया, और सोम को आ गया गुस्सा, ये भी सोम के मन के नहीं हुआ, अब सोम को मंगाएंगे तो सोम को क्या मंगाएंगे जल्दी बता, क्या फिर तू करेगा ना, क्या मंगाना तू जल्दी बता, जल्दी बता दे क्या मंगाना, बता दे अभी, बता अभी भी मौका है फिर नहीं मिलेगा, जल्दी बता क्या चाहिए तुझे, रोबोट खुशबू आ रही है इसमें, मेरे बाल दिखा दे कितने हैं अभी और कितने महीने में होते हैं, आज की डेट भी फिक्स करवा दो, ये है लेंथ और देखते हैं कितने महीने में कितने बढ़ते हैं, है ना, तो मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी तो आप लोग ब्लॉग में यूं ही बने रहे, है ना। तो दोस्तों अभी हमारी तैयारी है शॉर्ट्स बनाने की, तो उसके लिए हम रेडी हो चुके हैं, रेडी कुछ इस तरह तरीके से हुए हैं कि जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहनी हुई है मैंने साड़ी और अभी बनी हुई हूँ मैं गांव की महिला, घरेलू महिला है ना, कामकाजी महिला जिसको बोलते हैं, जैसे मनोरमा करती वो वाली महिला बनी हुई हूँ और क्या शॉर्ट बनाने वाले हैं वो आप लोगों को शॉर्ट में दिख जाएगा। तो फिलहाल अभी हम रेडी हो चुके हैं और शॉर्ट बनाने के लिए निकलते हैं अपनी शूटिंग पे, क्यों मैं शूटिंग पे, और ये देखिए कुछ इस तरीके की साड़ी पहनी हुई है, इधर मनोरमा कुछ इस तरीके से तैयार हुई है, देखिए ये देखो, तो चले कैमरामैन फोकस करें। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने हमारे आज के ब्लॉग में देखा होगा कि आज हम लोगों ने थोड़ा शूटिंग वगैरह करी, यानी कि शॉर्ट्स वगैरह बनाए और वो मैंने ब्लॉग में डाला हुआ है, तो मैं पूरा गाना तो नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है, तो आधा कट कट करके मैंने डाला हुआ है, वो आप लोग ब्लॉग में देख सकते हैं और पूरा गाना आप लोग शॉर्ट्स में देख सकते हैं। तो रात भी काफ़ी हो चुकी है तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ नई चीज़ें लेकर के, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।